हेलो दोस्तों, माय टिप्स के एकदम न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आखिर क्यों अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के लिए प्रोस्थेटिक आईज लगवाई, यानी नकली आंखें लगवाई, और क्यों साजिद नाडियाडवाला को फिल्म की कहानी एन मौके पर चेंज करनी पड़ी? क्या बच्चन पांडे किसी फिल्म की कॉपी है? और फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म कब तक रिलीज हो रही है? तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, बच्चन पांडे को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला और से डायरेक्ट कर रहे हैं फराज सामजी। और फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ कीर्ति सैनन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और साथ ही फिल्म में बॉबी देओल और रितेश देशमुख का भी कैमियो होगा। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये फिल्म साजिद नाडियाडवाला की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म होने वाली है, क्योंकि बच्चन पांडे एक तमिल फिल्म जिगर तांडा का हिंदी रीमेक है। जिगर तांडा साउथ की जबरदस्त फिल्म है, जिसमें इमोशन है, कॉमेडी है और भरपूर एक्शन पैक्ड फिल्म है ये। अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बन रहा है, वो भी बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार को लेकर, तो आप सोच सकते हैं फिल्म कितनी बड़ी हिट होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं, अक्षय कुमार चाहते थे कि बच्चन पांडे में उनका लुक ऐसा हो कि लोग उनके किरदार को सालों तक याद रखें, और इसके लिए फिल्म में उन्होंने अपने लुक को ज्यादा डरावना और खूंखार दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लिया है, जो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों और एक बात, साजिद नाडियाडवाला ने पहले बच्चन पांडे के लिए साउथ की वीरम फिल्म की स्टोरी को लिया था, और वो फिल्म को उसी स्टोरी के साथ बनाने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने अक्षय कुमार का उस वक्त ये फोटो लॉन्च किया था। लेकिन साजिद नाडियाडवाला फिल्म की स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो बच्चन पांडे के किरदार को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक बनाना चाहते थे, ताकि लोग उनकी फिल्म को सालों तक याद रखें। इसलिए उन्होंने फिल्म की कहानी को एन मौके पर चेंज कर दिया था। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी एक ऐसे फिल्म मेकर की है जो रियल लाइफ गैंगस्टर पर फिल्म बनाना चाहता है, और फिल्म मेकर के किरदार में आपको कीर्ति सैनन नजर आएंगी, जो गैंगस्टर बच्चन पांडे की लाइफ पर फिल्म बनाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों कहानी जितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको सुनाई है, मेरा यकीन मानिए फिल्म उतनी ही टेढ़ी होने वाली है, क्योंकि फिल्म में इमोशन के साथ जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही अक्षय कुमार का ये डरावना लुक जो फिल्म में चार चांद लगा देता है, जिससे एक बात तो तय है, ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट बन जाएगी। और जो लोग बॉलीवुड से थोड़ा कतराने लगे हैं, फिल्में कम देखने लगे हैं बॉलीवुड की, वो फिर से बॉलीवुड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको भी यही लगता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और फिल्म कुछ हद तक शूट हो चुकी है और कुछ बाकी है, और फिल्म को जनवरी 2022 में रिलीज करने का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। तो दोस्तों वेट कीजिए, मैं आपको जल्दी नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कितना वेट कर रहे हैं फिल्म का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली वीडियोस के लिए।